अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ आफ्ताब हुसैन। क्या हाल चाल हैं आपके? पाकिस्तान के अंदर एक मसला बहुत आम चल रहा है, काफ़ी लोग इस मसले का शिकार हो चुके हैं, और हो सकता है कि ये मसला आपके आने वाले दिनों में आपके साथ भी हो सकता है और आप इस मसले का शिकार हो सकते हैं। और अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम पेश आ चुकी है, आप इस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है और अगर इससे बचना है तो वो किस तरह बचेंगे, सारा कुछ आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। तो इसलिए मेरी छोटी सी गुजारिश है कि इस मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच करें और कहीं से भी इसको स्किप मत कीजिएगा। और चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर दें ताकि आने वाली इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। काफ़ी लोगों के जो जेस के ईजी पैसा या फिर बैंक अकाउंट्स हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं और काफ़ी लोगों के रिकवर हो चुके हैं, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये ब्लॉक किस तरह होते हैं कि काफ़ी लोग जो है जो जिनके ब्लॉक हुए वो उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं कैपिटल ट्रेडिंग से होता है, और काफ़ी लोग इस ट्रेडिंग वगैरह नहीं करते फिर भी उनका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है। और ये काफ़ी सारा मसला जो है काफ़ी दोस्तों के साथ पेश आता है जो पी टू पी ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी करप्टर के अंदर अपन ट्रेडिंग करते हैं, फिर जो डॉलर बेचकर और अपने पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करके उसको लेते हैं, तो वो इस तरह वो जो पीछे से आपको पैसे सेंड करते हैं वो फ्रॉड होते हैं और आपके साथ स्कैम करते हैं। वो अपनी हेल्पलाइन पर कॉल करके वहाँ पर ये कंप्लेंट करते हैं कि ये हमारे जो पैसे गए हैं वो बाय मिस्टेक गए हैं या फिर हमसे फ्रॉड हो चुका है, और वो आपके अकाउंट इस तरह ब्लॉक करवा देते हैं। अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है और आपने इस तरह की कोई भी बाय मिस्टेक नहीं किए, जिस तरह कि मेरा भी फर्स्ट वीक अकाउंट ब्लॉक हो चुका था, फिर मैंने हेल्पलाइन पर कॉल करके मैंने अपना जो अकाउंट है वो 24 घंटों के अंदर एक्टिवेट करवा लिया था। अगर आपके साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम पेश आता है तो आपने हेल्पलाइन पे कॉल करके वहाँ से पहले तो उनसे रीज़न पूछना है कि भाई किस वजह से ब्लॉक हुआ है, क्या किसी ने पीछे से डिस्प्यूट क्रिएट किया हुआ है या नहीं। अगर इस तरह है तो फिर आपने जो आपके NIC की इंफॉर्मेशन होती है या फिर आपने जो लॉस ट्रांजेक्शन वगैरह की हों वो आपको एक नोट कर लेनी है, उसकी जो डेट टाइम और कितनी की ट्रांजेक्शन हुई थी वो सारा कुछ आपको कहीं ना कहीं नोट करके फिर हेल्पलाइन पे कॉल करनी और उनसे कहना है कि भाई हमने किसी अपने दोस्त से पैसे मंगवाए हैं, फिर ये तारीख थी और इस टाइम को हमने ये पैसे इतने पैसे रिसीव किए हैं और हमारा अकाउंट बिला वजह ब्लॉक किया गया है। फिर इसको रिकवर करने में आपको एक दिन भी लग सकते हैं या फिर एक हफ़्ता या फिर एक महीना भी लग सकता है, या आपका अकाउंट इस तरह अपने अकाउंट को रिकवर भी कर सकते हैं। और काफ़ी लोगों के इस तरह अकाउंट रिकवर हो चुके हैं, और काफ़ी लोग जो क्रिप्टो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं वो इस मसले से बच के सकते हैं कि जब वो पैसे एक्सचेंज करते हैं तो उनको चाहिए अगर जिस बंदे के साथ वो ये डील करते हैं तो चेक कर लें उसकी जो 100 है या 100 में से कम है, अगर 100 है तो उसके साथ करें, अगर 70-80 है तो उसके साथ ना करें। ये फ्रॉड होते हैं और ये आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम भी कर सकते हैं, और ये काफ़ी लोगों चेंज डिस्प्यूट भी आ जाता है, जैसे कि फर्ज करें मेरे अकाउंट में PTP की ट्रांजेक्शन आ चुकी है, यानी क्रिप्टो से ट्रांजेक्शन आई है, फिर मैंने किसी अपने दोस्त या भाई को ट्रांजेक्शन की तो मेरा अकाउंट ब्लॉक हुआ है और आगे उसका भी ब्लॉक हो सकता है। तो इस तरह भी आप अपने अकाउंट को रिकवर सेम तरीके से कर सकते हैं, उनको ये सारी डिटेल इंफॉर्मेशन देनी है जिस बंदे से आपने पैसे मंगवाए हों उसका जो इन्फॉर्मेशन वो देनी है और अपनी भी इन्फॉर्मेशन देनी है, इससे आपका अकाउंट बहुत जल्दी रिकवर हो सकता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।